बिजनेस सेक्टर श्योर्स कविता जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक. व्हाट बेटर डे टू स्टार्ट योर डे. आज आप इस्कॉन टेम्पल पे हैं, गाना आपका आज लॉन्च हुआ है, बर्थडे है आपका. आई एम श्योर इट्स अ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जस्ट ऐसे ही एक थॉट आया था कि उस दिन रिलीज़ करेंगे, क्योंकि इतना कुछ मुझे ईश्वर ने दिया है और मेरी ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो मैं कैसे वो ऋण कैसे चुकाऊँ. तो वो एक मन में था, तो मुझे लगा वो इससे बेटर कोई कुछ हो नहीं सकता कि मैं जो मेरे दिल के बहुत करीब सॉन्ग है मैं उसको उस दिन शेयर करूँ और सबके साथ वो फिर से उनको उसको इतना प्यार मिले उस गीत को. और बस यही थॉट मन में था और वी प्लान कि हम लोग आज रिलीज़ करें इस गाने को. और मैं तो ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ और समझ में ही नहीं आ रहा है क्या राधा कृष्ण गाना फोक रिक्रिएशन होना उसका इतना ब्यूटीफुली आपने नीडलेस टू से कि आप हमेशा ही बहुत वी रियली कांट कमेंट ऑन दैट बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग व्हेन वी हियर एंड व्हेन वी आर वाचिंग द सॉन्ग. तो वो पूरी जर्नी एक गाने की कैसी रही. हाँ, थोड़ा सा मैं शुरू करती हूँ फिर गणेश बताएंगे. जी हाँ, ये जो बंदिश है ये मैंने कुमार गंधर्व जी की सुनी हुई है, प्रभा अत्रे जी की सुनी हुई है. तो क्लासिकल सुनती हुई आई हूँ, तो मुझे ये बहुत पसंद थी बचपन से ही. तो काफ़ी टाइम से मन था कि इस पे कुछ करते हैं. तो बस एक दिन मैंने अचानक गणेश को बोला कि प्लीज़ इस गाने पर कुछ काम करो, तुम इतनी चीज़ें बना रहे हो, प्लीज़ इस गाने पर थोड़ा सा फोकस करो. और कुछ प्रभु कृपा रही, कृष्ण कृपा रही कि तैयार हो गए कनिष्क. और बोले अच्छा ठीक है, अच्छा आज आप रिकॉर्ड कर दो फिर मैं डिज़ाइन करता हूँ. और इस तरीके से जब मैं गा रही थी तो मैंने कहा मैं अकेले नहीं गाऊँगी, तुम भी गाओ. देन इमीडिएट मैंने कनिष्क जो कृष्णा वाला पार्ट है वो मैंने इमीडिएट दो लाइंस लिख दिया. देन ही ऑल्सो डब दैट सॉन्ग पार्ट. और जो अंतरा है वो ओरिजिनल डिफरेंट है, फिर वो कनिष्क ने कंपोज किया कि कुछ अलग करते हैं, मतलब ट्रेडिशनल भी रहेगा कुछ एक अपना रंग भी रहेगा. तो उस तरीके से कनिष्क इस बीच में आए. इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी से, पर बहुत बहुत ही अच्छा है. कैसे यू नो एक होता है आप एज अ प्रोफेशनल जब काम करते हैं, फिर एज अ फैमिली जब साथ पे काम करते हैं कैसा. इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही अच्छा रिश्ता है क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा हूँ जहाँ पे मैंने हर प्रकार का म्यूज़िक सुना है. बट अल्टीमेटली उसका गोल यही रहा है कि इट लीड्स टू स्पिरिचुअलिटी, वो भक्ति ही बन जाती है, भले ही वो सूफ़ी हो, भले ही वो एक्चुअली भक्ति संगीत हो या कुछ भी हो. तो एक देयर इज़ अ सर्टन सेंस ऑफ ईज जब भी हम काम करते हैं. बहुत भरोसा है एक दूसरे की कलाओं पर कि भाई ये इनका फोकस है, ये मेरा फोकस है. पर जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक ट्रस्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है और एक सर्टन सेंस ऑफ अप्रिसिएशन भी है कि भाई ये जो करेंगे वो अच्छा करेंगे. मॉम ऑब्वियसली जब गाती हैं तो आई मीन इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ काफ़ी बार. एंड जब सुनता हूँ हमेशा से लगता है क्या ऐसा क्या है यार, मतलब दैट ब्रिंग्स इट एवरी टाइम यू नो, लाइक इतना इतना इनोसेंस और इतना वेटेज एट द सेम टाइम किसी गाने में कैसे आ सकता है. सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट इनके साथ हर एक गाने पे काम करने को मिल रहा है. और रही बात सिर्फ इस गाने की कि एक ख़ास बात यह है कि अक्सर सारे कृष्ण भजन राधा जी के पर्सपेक्टिव से रहते हैं, ये दोनों के पर्सपेक्टिव से है. एंड क्योंकि एक पुकार है, लॉन्गिंग के ऊपर गाना है, तो बहुत अच्छा है कि शुरुआत राधा जी के पर्सपेक्टिव से ही और बट कृष्ण भी दोनों की पुकार है, दोनों की ही पुकार है और अंत में मिलन ही है उनका. तो रियली हैप्पी कि वीडियो भी बहुत शानदार बना है. उसके लिए जो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस था, मैं उसमें थोड़ी सी वीक हूँ, तो वो पूरा कनिष्क वो डिपार्टमेंट कनिष्क संभालते हैं कि स्टोरी किस तरीके से उसमें स्मूथली चले. तो आज के माहौल को देखते हुए और पुराने ज़माने के राधा कृष्ण, वो दोनों स्टोरीज़ को मॉडर्न ज़माने में किस तरीके से इनकलकेट किया है वो बड़ा खूबसूरत है. वो जो ब्लेंड है वो बड़ा बहुत सुंदर लगा कि मॉडर्न ज़माने की
जो राधा है वो किस तरीके से ड्रेसअप होगी, वो किस तरीके से कृष्ण को पुकारेगी, तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही प्यारी लगी हैं मुझे। किसका था जो मंदिर में हम लॉन्च करेंगे गाने, किनके आइडिया था, कब सोचा आप लोगों ने? मैं ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं जब भी किसी शो में भी जाती हूँ तो ठाकुर जी मेरे साथ ही जाते हैं, तो एक बर्थडे का आइडिया, फिर इस्कॉन, मतलब ये मेरा भी आइडिया मैं नहीं कह सकती हूँ, ये तो ईश्वर की कृपा थी, ठाकुर जी की कृपा थी, हम लोग आए वहाँ दर्शन करें जिससे गाना फिर झू 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 ऊपर तक जाए। हमेशा फोक पे कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है, यू नो, टू ब्रिंग इट अबाउट, कैसा रहा वो प्रोसेस, व्हाट वाज यू नो योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू स्टार्टेड? आई थिंक हमेशा से, इससे पहले जैसे हमने कई गानों पे काम किया है, इससे पहले कबीर दास जी के पद पे काम किया है, फिर उससे पहले एक ठुमरी पे भी काम किया था, रंगी साड़ी जो फिर फिल्म में भी गया था, तो हमेशा कोशिश यही रहती है हम दोनों की कि जो इस गाने की पोएट्री है या जो कॉम्पोजिशन है, जो रूह है, जो एहसास है, हाँ, जो आप वो बरकरार रहे, अलग म्यूजिक में भी सुनेंगे वो बरकरार रहे, और किसी भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक में आप सुने वो तभी भी उसकी सोल इंटैक्ट रहनी चाहिए। तभी मैं अक्सर इनको बोलता हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही रहो और वैसे ही गाओ, मैं अपने आप, मैं इस म्यूजिक को आपके अराउंड सजाऊंगा, सो दैट यू नो वो एक नेचुरल पन भी, मतलब एक तरीके से रहेगा, हाँ, वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो हमेशा ही होता है, वो तो मतलब अगर वो तो यहाँ पे भी शुरू हुई खटपट, मतलब इससे ही आइडिया मिल गया कि होती है। नहीं, वो तो हमेशा होती है कि मतलब अगर कोई टेक अच्छा नहीं लगा तो वापस करते हैं, बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक हम उन गानों पे ही काम करते हैं जहाँ पे हम दोनों काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हैं उसको लेके कि इस पे काम करना, आई फील वही सबसे बड़ा पार्ट रहता है, बाकी सब बहुत छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं कि ये इसको ऐसे गाओ वैसे गाओ जो भी है, वरना एक गाने पे काम करना, इस पोएट्री पे, इस मेलोडी पे, वही जब एक तरीके से आई फील लाइक दैट इज़ ओनली 60-70% ऑफ अ सॉन्ग, बाकी सब ही मुझ पर छोड़ देते हैं, लाइक तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन करो इसे, फिर जैसे, और ये जो कंप्लीट हो जाता है पूरा सॉन्ग, कहता बीच में नहीं सुनाऊंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर सुनाऊंगा, फिर आप अपना फीडबैक देना, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है या कुछ चेंजेस चाहिए, तो उस तरीके से करते हैं, बट आई ट्रस्ट हिम कि मैं जैसा जो भी काम मतलब रिकॉर्ड करके दे देती हूँ, फिर उसके ऊपर ये इसको अपने तरीके से डेकोरेशन करते हैं, सजाते हैं। सो कुछ अलग रहता है कविता जी, घर में गाना बनना और बाहर गाना बनना? हाँ, घर में तो ये नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को गले में खराश लग रही है, मेरा मोटू ठीक नहीं है, मैं नहीं गाऊंगी, तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप बाहर कहीं जाते हो स्टूडियो में तो यू हैव, या और कंपोजर्स के लिए तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल, और आपको उस टाइम पे और उस कमिटमेंट पे आपको करना पड़ता है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा ढल गई हूँ उस रंग में भी अभी। लेकिन हाँ, ये जो कंफर्ट जोन तो रहते ही है घर पे करने में, और कुछ अच्छा नहीं होता या ये ज़्यादा बोलता है थोड़ा और बेटर करो तो चिल्ला भी, नहीं करूँगी ऐसा क्या है, तो वो सब भी चलता रहता है। लेकिन हम दोनों की कोशिश यही रहती है कि जो भी प्रोडक्ट बाहर आए वो 100% से भी ज़्यादा अच्छा, बेहतर हम जितना कर सकें, कि और हम लोग खुद ही एक वो बनाते जा रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो बेस्ट होता है, फिर लगता है कि नहीं इससे भी बेटर कुछ करना है, इससे भी बेटर, अब जो आए वो उससे भी बेहतर हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है, अब जैसे जैसे काम बेहतर करते जाते हो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि अरे अब अगला क्या होगा, देखते हैं उतना ज़बरदस्त है कि नहीं है, तो खैर बनाते समय नहीं सोचते, लेकिन जब रिलीज़ हो रही होती है चीज़ें तो रहता है कि कहीं से भी कोई भी पॉइंट पे ज़रा सी भी मिस्टेक या कमी ना रह जाए, तो वो प्रयास रहता है बस। लखविंदर जी, थैंक यू आज की अपॉर्चुनिटी के लिए, क्या कहेंगे आप आज? कविता जी प्रतिभा की धनी है, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अरे तो मेरा सौभाग्य है पारुल जी, आपने कहा, मुझे भी अभी ऐसे दोपहर को ही था, और सबसे बड़ी चीज है जन्मदिन पे कृष्ण जी साथ आ गए, साथ में बैठे हैं, तो बाकी तो इतनी प्रतिभागी धनी है, उनके कर्म इतने अच्छे हैं, बुलंदियों पे पहुँचेंगे, मैं कृष्णा से यही प्रार्थना करूँगा। कविता जी को
बुलंदियों पे पहुंचा दिया जाए। थैंक यू शुक्रिया जी। गाना एक लाइन जरूर बिल्कुल। जमुना किनारे मेरो गांव, जमुना किनारे मेरो गांव, सांवरे आए जइयो सांवरे, आए जइयो सांवरे, आए जइयो। जमुना किनारे तोरा गांव, जमुना किनारे तोरा गांव, राधा गोरी आई जइयो, राधा गोरी आई जइयो, राधा गोरी आई जइयो राधे। थैंक यू सो मच।